So mostly it's from India only. So you see, in true sense, make in India. That's because fantastic. These colors, the natural dyes, they take up very well all Indian silk. Okay. Indian handloom desi silk. जिसको बोलते हैं ना देसी चीज के ऊपर. So देसी silk हो गया, देसी ideas हो गया और देसी color हो गया. और देसी इंसान भी हो गया. देसी इंसान भी हो गया. First class. ठीक है, आप अपने कैरियर में आप सक्सेसफुल हैं फ्रॉम वेरियस एंगल्स. इफ आई काउंट, यू हैव गॉट ह्यूज नंबर ऑफ अचीवमेंट्स. हेल्थ के बारे में आप ख्याल रखते होंगे. आप अब तो आपका डायबिटीज हो गया, आप थोड़ा सा ओबेसिटी था, तो उसके बारे में बताइए. आप ओबेसिटी डेवलप कैसे हुआ और आपके फैमिली में ओबेसिटी का एक है क्या? नहीं, मेरी अभी मेरी बहू को है. ओके ओके. सरप्राइज की वाइफ. हाँ हाँ. तो भाई साहब, आपका भी मैंने फोटोग्राफ देखा हुआ है एल्बम में, तो उसमें आप भी थोड़ा सा हैवी. आपने बताया आपके मैडम को भी है और आपके बच्चे का भी कोई ओबेसिटी? माय डॉटर, शी हैज जस्ट पिक्ड अप वेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम. ओके. स्कूल बंद थे ना? बंद थी. सो लाइक द एक्टिविटीज वर, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ओबेसिटी का इलाज करता हूँ, तो नेचुरली ये चीज़ मेरे ध्यान में आता है कि लोग अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं क्या नहीं, और इनमें इनके फैमिलीज में ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप एक्चुअली मेरे को पूछ सकते हैं कि आपकी इस हेल्थ एरियाज में, हेल्थ सेक्टर में आपका क्या क्या इश्यूज है. जैसे आपने बताया ओबेसिटी है, तो हम लोग को पता है कि ओबेसिटी तो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है. तो उसमें क्या होता है कि हम समझते हैं कि हमने खुद मोटापा कमाया है ज़िंदगी में. फैमिली का जो इशू है ओबेसिटी, जो आपने भी आपने फेस किया है, अभी आपने वेट लॉस किया है, ओबेसिटी के बाद आपके डायबिटीज़ भी आया, इनका भी था और इनके बच्चे भी. लेट अस टॉक अबाउट ओबेसिटी इन जनरल. अभी तो जैसे इंडिया में ओबेसिटी बहुत काफ़ी हो रहा है, बहुत और हम समझते हैं कि ओबेसिटी सिर्फ लाइफस्टाइल से होता है. ये इसमें थोड़ा सा गलत फहमी है एक्चुअली. हाँ, टू लार्ज एक्सटेंट ओबेसिटी कंट्रीब्यूटेड बाय लाइफस्टाइल, जो ईटिंग फैक्टर्स होते हैं और एक्सरसाइज कम होना, यह सबसे होता है. लेकिन ओबेसिटी के लिए जीन्स होते हैं ना, अनुवंशिक जो हिंदी में कहते हैं, इन्फ्लुएंस, जो जीन्स का इन्फ्लुएंस भी इम्पॉर्टेंट है. और ये जीन्स को अपना ह्यूमन जो जेनरेशंस अब अपना जो चल रहा है यहाँ पे, ये इस जीन्स को हमने उसको उसकाया है कि चलो तुम आराम से काम करो, हम उसके तुम्हारे पीछे चलेंगे. हम उसको दबाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. अभी जैसे इंडिया में लास्ट 50 इयर्स में लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया, हमने हार्ड वर्क करना छोड़ दिया. तो एक जनरेशन जो इम्प्रेशन जीन्स को दे देते हैं, अगले जनरेशन के लिए वो जीन उसको कैरी करता है, वो इम्प्रेशन, वो इम्प्रिंट दूसरे जनरेशन पे चला जाता है. और जैसे एक जनरेशन क्रॉस करके दूसरे जनरेशन पे जाए, उसका पावर ज़्यादा हो जाता है, और तीसरे जनरेशन पे और भी पावरफुल हो जाता है. जैसे आपने देखा, आपकी ओबेसिटी शुरू हुआ होगा कोई 40 इयर्स के बाद, इनका हो गया होगा 30 इयर्स के बाद, इनकी बच्ची का हो गया होगा 12, 13, 14, 15. ये इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम है. सो वी आर गेटिंग मोर एंड मोर ओबेस पीपल एट ए यंगर एज. इसके लिए हम लोगों को बहुत पहले से ही तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए प्रिवेंशन के लिए. और ओबेसिटी को हम लोग डिजीज नहीं समझते हैं, हम लोग को एक कंडीशन समझते हैं कि चलो मोटापा है लेकिन और तो कुछ नहीं है, क्या होगा. लेकिन ओबेसिटी से आपका डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का उसके साथ रिलेशनशिप है, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकता है, स्लीप एपनिया कहते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं. डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप सोसाइटी में थोड़ा सा मोटा दिखना अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं कि स्लिम नहीं हो, तो आपको एक दिन के डिप्रेशन में चले जाएंगे. तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल के साथ मेडिकेशंस का भी आजकल इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी मेडिकेशन भी अवेलेबल है. चलो, इसके लिए तो आपको
वो कंसल्टेशन के लेवल पे जाना पड़ेगा, लेकिन सोसाइटियल लेवल पे हम लोग पहले से बचपन से बच्चों को प्रोत्साहन दे सकते हैं कि चलो तुम एक्टिव रहो, ईट एंड रन, नॉट ईट एंड सीट, एंड एट द सेम टाइम बी हैप्पी एंड नॉट ग्लूड टू द मोबाइल और टीवी स्क्रीन ऑल द टाइम, गो आउट इन द फील्ड एंड बी एक्टिव, एक्टिविटीज शुड बी इंक्रीज अ लॉट.